टीकमगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष और सीएमओ के बीच चल रहे विवाद में आम जनता परेशान है। आपसी विवाद के चलते बीते दो दिनों से शहर में सफाई व्यवस्था ठप है। दरअसल 21 अक्टूबर को नगर पालिका सीएमओ ने रजिस्ट्रेशन और बीमा के बिना वाहन नहीं चलाने के निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा वाहनों के डीजल पर भी रोक लगाई गई थी, जिसके चलते कचरा वाहन, पानी के टैंकर सहित कचरा उठाने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों का संचालन बंद हो गया था। रविवार को इस संबंध में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने कलेक्टर से अलग अलग मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई थी। कलेक्टर ने इस संबंध में सीएमओ से फोन पर चर्चा के बाद व्यवस्था में सुधार करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद रविवार शाम से कुछ कचरा वाहन और ट्रैक्टर ट्राली का संचालन शुरू कर दिया गया था। बावजूद इसके शहर के कई इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। आज सुबह जब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कचरे की फोटो डालकर विरोध जताया तो पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भाजपा पार्षदों के साथ ट्रैक्टर ट्राली लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। ये नगर पालिका में पदस्थ एक सीएमओ की मनमानी लापरवाही केवल ये कारण है, कोई शौक में नहीं हम कचरा उठाने आए हैं। दीपावली का त्यौहार, सफाई का त्यौहार है, लोग घरों की सफाइयां करते हैं कि लक्ष्मी जी का आगमन हो, सुख समृद्धि आवे, उन्नति आवे, लेकिन वर्तमान में नगर पालिका में पदस्थ सीएमओ रीता कैलाशिया की मनमर्जी, उसका अहंकार और उसके बाद संरक्षण, एक नेता का संरक्षण प्राप्त होने के बाद वो यहाँ मनमानी के, डेढ़ दो महीने से हम बराबर देख रहे हैं, शहर की जनता देख रही है। आपको स्मरण होगा जब मैं नगर पालिका चुनाव टीकमगढ़ में, जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा 2013 में, तो हम 8,500 से टीकमगढ़ शहर से विजयी हुए थे। 2018 में फिर विधानसभा का चुनाव आया तो हम 10,000 वोटों से भाजपा यहां से चुनाव हार गई। कैसे हार गई? 8,500 कांग्रेस ने वो गड्ढा भरा और 1200 से चुनाव जीती शहर में, तो माने 10,000 की हमें नुकसान हुआ ना, जहां हम 8,500 से जीते। उसके बाद वर्तमान में विधानसभा नगर पालिका के चुनाव हुए, 22 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ से खत्म हुआ, जनादेश हमने सिरोधारी किया। लेकिन अब जो आए हैं वो काम करें, कैसा कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की अपन मर्जी थोड़ी होगी कि आप शहर की जनता को किसी के बहकावे में या किसी के संरक्षण में या अपने अहंकार में तुम शहर की जनता को परेशान करोगे। एक महीने पहले यहाँ के नगर पंचायत जानकारी दी है कि एक महीने पहले नगर पालिका अध्यक्ष ने कोई पत्र लिखा सीएमओ को कि आप जितने वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के हैं, जिनका बीमा नहीं हुआ है, उन वाहनों को बीमा करवा ले ताकि अन्यथा की स्थिति में कोई अनहोनी घटना नहीं घट जाए। एक महीने तुम सोती रही या तुम बीमार रही तो किसी को प्रभार देकर जाती, तुम्हें तो कोई न्यारी का मूड़ा नहीं सागे थी ना, तो तुम्हें सब कुछ हो, किसी को प्रभारी इंचार्ज बनाती, सीएमओ बनाती और वो काम करता तो प्रभार तो दिया लेकिन काम करने के हाथ काट दिए। तुम कर नहीं सकते हो, केवल हम यहाँ रहेंगे नहीं, तू साला कुछ कर नहीं पाएगा, ये परिस्थितियाँ उस इंचार्ज प्रभारी की। अब उसके बाद फिर एक महीने बाद लेटर निकाला, जैसे ही हमारा त्यौहार शुरू हुआ, साल भर का त्यौहार है, पूरे हिंदुस्तान का मने दीपावली बड़ा त्यौहार, एक दिन पहले त्यौहार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन और बिना बीमा के गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। एक महीने से तुम क्या कर रहे थे, इतने में रजिस्ट्रेशन बीमा करा लेना चाहिए था ना, तो तुमने वो तो नहीं कराया। जिस समय प्रशासनिक मशीनरी और ज़्यादा वाहन दीपावली के कचरा को उठाने के लिए लगाती है, एक्स्ट्रा वाहन लगाते हैं, एक्स्ट्रा टीम लगाती है, सफाई कर्मचारियों को और एक्स्ट्रा टीमें बना करके, स्पेशल टीम बना करके सफाई करते हैं, उस समय तुमने ये किया कि वाहन बंद कर दो, कर्मचारियों को घर बैठा दो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।